प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कई राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया है। ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। बैठक में शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इसमें शामिल होने की बात है। इस बैठक में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आठवीं बैठक है गवर्निंग काउंसिल की और इस बैठक का हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के चार राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। बैठक में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस शासित राज्यों के। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बैठक से दूरी बनाई है। नीतीश कुमार, केसीआर और एम के स्टालिन ने भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया, जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में यह बैठक जारी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी मौजूद हैं। त्रिशूल जी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिस तरीके से जारी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या इन मुद्दों का कोई हल इस बार निकल सकता है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से लगातार विपक्ष गतिरोध के तेवर में आ गया है, 2024 की तैयारियों को लेकर इसे देखा जा रहा है, चाहे संसद का उद्घाटन हो और चाहे अध्यादेश का मामला हो और अब नीति आयोग की बैठक। नीति आयोग की बैठक को लेकर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपके संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को, जिसने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जनतंत्र पर हमला हुआ है और गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये ना ही भारतवर्ष का विजन है और ना ही सरकारी संघवाद यानी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का। तो जो एक फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, उसके मायने बहुत अलग हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर रूप से चिंता करनी होगी कि आखिर कैसे इसको देखा जाए और कैसे इसका समाधान किया जाए। ठीक है त्रिशूल जी, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुना देते हैं। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है, ये सब चीज को। और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था, उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते, तो सर बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार से कोई, बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। मायावती वगैरह सारे लोग जा रहे हैं, कल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ? कल वाले कार्यक्रम में, भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं, जगनमोहन रेड्डी जा रहे हैं, अकाली दल के लोग जा रहे हैं, तो विपक्षी एकता को झटका लगेगा इस बार। कहाँ जा रहे हैं? उद्घाटन हो रहा है, संसद का जो उद्घाटन हो रहा है, कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता।
कौन जा रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था, यहाँ जो विस्तारित विधानसभा का कोई बोल रहा है, आज जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी, तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का नाम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं, हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमिटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके कब बैठने का जगह बनाए, तो कौन चीज कह रहा है भाई? साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया इसीलिए। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि नीति आयोग की बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया है। कारण ये रहा कि जो लगातार लोकतंत्र की हत्या का आरोप विपक्ष लगा रखा है। चलिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार रुखनी का कर लेते हैं। त्रिशूल जी, नीतीश कुमार को आपने भी सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तरह तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं अगर वहां पर जाता विपक्ष तो ज्यादा बेहतर चर्चा हो सकती थी। देखिए, एक जो बीच में संवाद कहीं हो जाता था पहले, वो संवाद अब होने की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के सामने आया है और खुलकर सामने आया है, तो अब ये संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं कि कैसे अब समझौते होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष जहां पूरी तरीके से विपक्ष को नकार रहा है, वहीं विपक्ष भी अब पूरी तरीके से इस तेवर में आ गया है कि खुलकर सत्ता पक्ष का कैसे विरोध किया जाए। इसके लिए आप देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल देश की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाके मिल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग संदेश दे इसी को लेकर संदेश दे रही है कि विपक्ष एक हो। और आप सबसे बड़ा आप अगर फेरबदल देखेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, वो भी कहीं ना कहीं गाये बगाये अंदर खाने एक मंच पर आ गए हैं। केसु वेणुगोपाल ने खुद कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं अध्यादेश को लेकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और ये जो एनसीपी है, इस तरह के दल जिनका अपना खुद का प्रभुत्व है छत्रप के रूप में या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि अब सत्ता पक्ष का मुकाबला करना है तो पूरी तरह विपक्ष को एकीकृत होना होगा, और इसी एकीकरण को लेकर लगातार जो एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं, ये 2024 को लेकर चिंता का विषय है। और कर्नाटक जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि आखिर कैसे सुलझा जाए, कैसे निकला जाए, लेकिन संवाद कहीं दिख नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में कोई संवाद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल संवाद में एक बैरियर खड़ा हो गया, अवरोधक उत्पन्न हो गया है, और वो ये है कि बात कैसे की जाए, कौन करे। और अब बीजेपी अगर 24 की रणनीति बना रही है तो उसको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके दोस्त बिल्कुल कम हुए हैं। शिवसेना जो पुरानी शिवसेना थी वो निकल गई उसके धड़े से, आरएलपी उसके धड़े से निकल गई राजस्थान में, अकाली दल कहीं उससे टूटा है, लेकिन अकाली दल की संभावनाएं हैं लौटने की, लेकिन और भी कई दल हैं जो उससे अलग हुए हैं। अब ऐसे में एनडीए के लिए चिंता की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा करती है, लेकिन अब उसके लिए भी ये चिंता है कि कैसे 2024 की रणनीति बनाई जाए। ठीक है त्रिशूल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।